और बुलेटिन में सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई सोसाइटी में आईजीएल सेवा प्रभावित हो गई है। इको विलेज वन अजनारा निराला एस्टेट में आईजीएल की सप्लाई रुकी। आईजीएल की सप्लाई रुकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तकनीकी खामी की वजह से आईजीएल की सप्लाई यहाँ पर रुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई सोसाइटी में आईजीएल सेवा प्रभावित हो गई है। रविंद्र जयंत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, ये आईजीएल की सेवा ग्रेटर नोएडा के वेस्ट सोसाइटी में प्रभावित होगा, इसको लेकर क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? देखिए, जिस तरह से आईजीएल की जो सेवा थी वो कुछ समय के लिए प्रभावित हुई, जब जिस समय जो बच्चे स्कूल जा रहे थे और जो नौकरी के लिए तैयार हो रहे थे उसी समय जब खाना महिलाएं रसोई में खाना बना रही थी उसी समय दर्जन भर जो ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी थी उसमें जो है जो आईजीएल की जो गैस थी उस समय के लिए रुक गई। और उसी समय जो आईजीएल ने एक नोटिस अपनी तरफ से ट्वीट के माध्यम से जारी किया कि अब कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो है आईजीएल की प्रॉब्लम है उसको जल्दी से दुरुस्त किया जाएगा। हालांकि अभी कुछ समय पहले ही जो है उसको दुरुस्त कराने की जो है प्रयास किया जा रहा है। अभी तक जो आईजीएल की जो प्रॉब्लम थी अभी सही नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय पहले, देखिए अभी हो तकरीबन एक महीने पहले भी इस तरह से तकनीकी में जो है आईजीएल में खराबी हुई थी, तो उसको लेकर के भी जो है आईजीएल ने अपनी तरफ से एक नोटिस जारी किया था। तो लगातार इस तरह से जो आईजीएल में प्रॉब्लम आ रही है और जो दर्जनों जो सोसाइटी है आज भी इसी तरह से जो लोग आईजीएल की प्रॉब्लम से जो है प्रभावित रहे, यानी कि आज लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रविंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम इस पर लेते रहेंगे। दस के दहाड़ में आगे रुख करते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवपाल यादव को विधानसभा में फ्रंट सीट पर बैठाने पर सहमति बन चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। शिवपाल यादव के सपा महासचिव बनाए जाने के बाद उनका कद बढ़ गया है। विधानसभा के अंदर उन्हें फ्रंट सीट पर बैठाने पर सपा में सहमति बन चुकी है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। 20 फरवरी से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का सत्र और ऐसे में शिवपाल यादव के सपा महासचिव बनाए जाने के बाद उनका कद अब बढ़ चुका है। और अब देखिए, अब फ्रंट सीट पर बैठाने पर भी सहमति यहां पर बन चुकी है, तो सदन में अब चाचा भतीजा एक साथ साथ बैठेंगे। अब आप देखिए, शिवपाल को विधानसभा में फ्रंट सीट पर बैठाने पर सहमति बन चुकी है, सूत्र ये जानकारी दे रखी है। विधानसभा के अंदर उन्हें फ्रंट सीट पर बैठाने पर सपा में सहमति बन चुकी है। अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ बैठे हुए नजर आएंगे विधानसभा में। अब तक अखिलेश से दूर सीट पर बैठते थे शिवपाल यादव, लेकिन अब आपको एक साथ वो बैठे हुए नजर आएंगे, सूत्र ये जानकारी दे रखी है। शिवपाल यादव के सपा महासचिव बनाए जाने के बाद उनका कद पार्टी में बढ़ चुका है। 20 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ साथ नजर आ सकते हैं एक जगह बैठे हुए। और मेरे साथ प्रमोद शुक्ला जुड़ चुके हैं, अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, जानकारी दीजिएगा आप इस पूरे मामले पर और भी, क्योंकि अब देखिए चाचा और भतीजे जिनके बीच अभी तक तकरार देखी जाती थी, अब वो चाचा भतीजे एक साथ नजर आने वाले हैं फ्रंट सीट पर, वो भी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कल शिवपाल यादव से मुलाकात की है अखिलेश यादव ने, माना जा रहा है कि तमाम चीजों पर चर्चा हुई है, खासतौर से प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होनी है समाजवादी पार्टी की, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। और आपने देखा कि अभी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई तो उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, यानी सम्मान देने का काम किया है। और ये जो सीट का मुद्दा, ये हम कहें तो जब से विधानसभा के चुनाव के बाद जब सीट अलॉटमेंट हुई थी तभी से पूरा मुद्दा बना हुआ है। अखिलेश यादव ने पहले उनको पीछे की तरफ की सीट मिली, फिर शिवपाल यादव ने कहा कि मुझे अलग सीट दी जाए, आगे की सीट दी जाए, फिर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपको अलग सीट नहीं मिल सकती, आप सपा के विधायक हैं, वहां से लिख कर आएगा। फिर एक समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी जाती है कि भाई इनको अलग सीट दे दी जाए। तो अब अगर खुद समाजवादी पार्टी ये लिख कर देगी विधानसभा अध्यक्ष को कि शिवपाल जी की सीट बदली जा रही है तो वो लागू हो जाएगा। और क्योंकि लेटर समाजवादी पार्टी को देना है, 20 तारीख से सदन की शुरुआत होगी, तो उससे कुछ दिन पहले जो है ये जो है लेटर जो है वो भेजा जा सकता है। और अभी हमने देखा है कि किस जगह पर शिवपाल जी बैठते हैं, वो पीछे की सीट पर बैठते हैं, जो ई रो है उधर बैठते हैं। और अब अगर सामने की रो उनको मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जिस रो में बैठते हैं उसी रो में। ठीक है अनुभव, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, कल लखनऊ में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हुई और माना यह जा रहा है कि सपा के प्रदेश कार्यकारिणी का अब जल्द ही ऐलान हो सकता है। शिवपाल यादव के निजी आवास पर कल देर शाम करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। इसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। पार्टी संगठन में शिवपाल के करीबियों को क्या जिम्मेदारी देनी है, इस मुद्दे पर भी बात हुई है। इसके अलावा शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को जिम्मेदारी देने पर भी बैठक में मंथन किया गया है। माना जा रहा है कि सपा के प्रदेश कार्यकारिणी में करीब 100 लोगों को जगह मिल सकती है, तो प्रदेश कार्यकारिणी में 100 लोगों को जगह मिल सकती है।
कैसी हो सकती है सपा के प्रदेश कार्यकारिणी, ये अब आप जान लीजिए। तो सपा के प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान अब संभव है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद प्रदेश कार्यकारिणी अब तैयार हो चुकी है। सपा के प्रदेश कार्यकारिणी में 100 लोगों को जगह यहां पर मिल सकती है। ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रदेश कार्यकारिणी में कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिन्हें जगह नहीं मिली है उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में अब जगह मिल सकती है। प्रदेश कार्यकारिणी में महिलाओं का कद भी देखिए यहां पर बढ़ चुका है। और जानकारी यह भी है कि पुराने पदाधिकारी भी प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल हो सकते हैं। नरेश उत्तम पटेल जो कि पहले ही सपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए नई प्रदेश कार्यकारिणी का अब ऐलान संभव है। और कहा यह जा रहा है कि नए चेहरों को मौका मिलेगा और जिन चेहरों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दिया जाएगा, उन्हें वहां मौका दिया जाएगा। महिलाओं की संख्या यहां पर बढ़ा दी जाएगी। तो 2024 को देखते हुए ये पूरी प्रदेश कार्यकारिणी यहां पर तैयार कर दी गई है। आगे रुख करते हैं, एक और बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मंगलवार को चर्चा हुई। इस दौरान सपा सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार प्रति के सवाल उठाए और कहा कि ये कैसा अमृतकाल है जहां युवा तरस रहे हैं रोजगार के लिए। इतना ही नहीं, डिंपल यादव ने कहा कि लोकसभा में जाति जनगणना की जमकर वकालत उनकी तरफ से की गई। सपा सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं रोजगार को लेकर। कहा कि ये कैसा अमृतकाल जहां रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को। केंद्र सरकार पर सीधे हमले किए गए डिंपल यादव की तरफ से तमाम बातों को लेकर, और साथ ही जातीय जनगणना की जमकर वकालत भी की गई है डिंपल यादव की तरफ से। खबरों में आगे रुख करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज डिफेंस एक्सपो मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी। त्रिपुरा से लौटकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए 2 दिन बाकी है अब मात्र। आज से विदेशों से इन्वेस्टर लखनऊ पहुंचने लगेंगे। पीएम मोदी 10 फरवरी को लखनऊ आएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री और देश भर के जाने माने उद्योगपति इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने वाले हैं। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा में हैं, चुनावी सभाएं वहां पर की जा रही हैं। 60 विधानसभा सीटों पर वहां मतदान होना है 16 फरवरी को। और आज जब वापस लौटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ तो तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। और आज डिफेंस एक्सपो पहुंचेंगे, वहां पहुंच करके तैयारियों की समीक्षा उनकी तरफ से की जाएगी। क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बाकी है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, जिसमें देश भर के जाने माने उद्योगपति पहुंचने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को वो लखनऊ पहुंच जाएंगे। इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। शैलेश अरोड़ा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। शैलेश, सीएम योगी आदित्यनाथ वापस लौटते तैयारियों का जायजा लेंगे, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं, तैयारियां लगभग क्या पूरी हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए इस मेगा इवेंट के लिए तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है और इस समय हम मौजूद हैं उस हॉल के सामने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। हमारे सामने ये एक भव्य जो पंडाल है जिसे इनॉग्रल हॉल का नाम दिया गया है, वहां पर भी तैयारियां अब अंतिम चरण में है। यहाँ की हम तस्वीरें बाहर की आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद अब अंदर की तरफ चलेंगे और अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। क्योंकि विभाग की अगर माने औद्योगिक विकास विभाग की, तो ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा पंडाल तैयार किया गया है जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जिस दिन आयोजन होगा एक साथ 10,000 लोग इस हॉल में बैठ सकेंगे। इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। देश के विदेश के जो बड़े उद्योगपति हैं, नामी उद्योगपति हैं, वो इस हॉल में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। तो अब अंदर से हम हॉल का जो पहला लुक है वो आज एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा के दर्शक जो हैं वो आज सबसे पहले इस कार्यक्रम स्थल का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। हॉल जो है, आपको बताया कि कल शाम को हम यहाँ पर जब आए थे, यानी कि 24 घंटे का भी अभी वक्त नहीं बीता है और यहाँ का नज़ारा ऐसा नहीं था, यहाँ काम चल रहा था, काफ़ी कुछ होने को बाकी था। लेकिन कल शाम से लेके और इस वक्त तक, यानी लगभग 15-16 घंटे के बाद की जो हम तस्वीर देख रहे हैं, नज़ारा बदल चुका है। यानी दिन रात जिस तरह से काम चल रहा है उसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर जो ये पूरा हैंगर बनाया गया है, यहाँ अलग अलग जगह देखिए तमाम होल्डिंग्स और लोगो भी लगाए जाएंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़े हुए। आगे की तरफ जो आप एलईडी स्क्रीन्स देख रहे हैं वहाँ पर देखिए ये बड़ी सी एलईडी स्क्रीन होंगी जहाँ मंच भी बनाया जाएगा और इसके बाद जो चेयर्स हैं ये लगी है। आगे की तरफ देखिए खास सोफे होंगे। आगे की तरफ हम चल रहे हैं, हमारे कैमरा सहयोगी हरिओम यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और पहली बार देखिए, ये पहली बार इस पंडाल की तस्वीरें सबके सामने है।
सब पहली बार इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। ये देखिए नया जो फर्नीचर है, जो यहाँ पर टेबल्स लगेंगे मंच के पास में, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए वो पोडियम जिनको फाइनल रूप दिया जा रहा है, जो मंच पे लगाए जाएंगे, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, जिस पर जो बाकी अतिथि हैं वो रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे, वो देखिए पोडियम यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और इसके साथ आगे की तरफ आप देखिए जो इस पंडाल का छत है उसको फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। पीछे जो LED स्क्रीन्स हैं उन पर जो ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट होगी उसका लोगो दिखेगा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो विकास के कार्य हुए हैं उनके बारे में, जिस तरह से एक डेवलपिंग स्टेट जो था जो है उत्तर प्रदेश, वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उस पूरी गाथा को इस LED स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। और देखिए दूर से हम देख पा रहे हैं मंच के ऊपर भी काफ़ी कारीगरी जो है वो नज़र आ रही है। थोड़ा और करीब हम जा रहे हैं अब पंडाल में जहाँ पर ये मंच है, और देखिए चलते चलते इतनी देर से हम सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये पंडाल तैयार किया गया है, कितना बड़ा ये स्टेज तैयार किया गया है। और पहली बार ये कहा जा रहा है इतना बड़ा पंडाल जो है किसी कार्यक्रम के लिए, कहा जा रहा है देश में पहली बार तैयार हुआ है। आगे की तरफ और चलते हैं और तस्वीरें वहाँ की भी दिखाते हैं। अगर बात करें देखिए इस पूरे आयोजन की, तो यहाँ पर जब प्रधानमंत्री आएंगे इस पंडाल में देखिए कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री उस जगह जाएंगे इसी परिसर में जहाँ पर प्रदर्शनी का स्थल बनाया गया है, वहाँ पर जो हॉल है वो उत्तर प्रदेश की जो नदियाँ हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, राप्ती, इन नदियों के नाम पर उन एग्जीबिशन हॉल्स का नाम रखा गया है। जगह जगह जो होल्डिंग लगे हैं वो भी इस तरह के हैं जिससे उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उनको दिखाया जा सके। और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ना, ये तस्वीरें ये बता रखी हैं शैलेश की जो सोच रखी गई है निवेशकों को बुलाने की, यूपी में जो सोच रखी गई है निवेश को लेकर के, उसकी कोशिशों के भी जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो कई गुना बेहतर है। बहुत शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और ये तस्वीरें हम तक दिखाने के लिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ से खबरों में आगे रुक करेंगे। अब आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी की तस्वीर आपने देख ली, सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि पहुंचेंगे, तैयारी का जायजा लेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि त्रिपुरा के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आज भी सीएम की कई जन सभाएं वहां पर होनी है। सीएम के त्रिपुरा दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन सीएम ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था। कांग्रेस पर भी सीएम ने बोला तीखा हमला, कांग्रेस को विकास और आस्था का बैरियर बताया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा है, चुनावी जनसभाएं उनकी तरफ से की जा रही हैं और आज भी कई चुनावी जनसभाएं उनकी तय है। आज दूसरा दिन है विधानसभा को लेकर के, 16 फरवरी को वहां पर मतदान होना है। ऐसे में चुनावी जनसभाएं और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर कर रही हैं। त्रिपुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, अब आप ये जान लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने देश की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस राज्य में हमेशा भ्रष्टाचार के मामले आते थे, कांग्रेस रामकृष्ण के अस्तित्व को नकारती रही है। कांग्रेस ने राम सेतु का हमेशा विरोध किया, काम हो सकता था लेकिन कम्युनिस्टों ने नहीं किया, कांग्रेस के एजेंडे में विकास नहीं था। सीएम योगी ने साथ ही ये भी कहा कि घुसपैठ करवाते और सुरक्षा में सेंध लगवाते थे। तो बड़ा हमला यहां से कांग्रेस पर बोला गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जो कि त्रिपुरा में मौजूद है, चुनावी जनसभाएं उनकी तरफ से की जा रही है बीजेपी के पक्ष में और लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। 16 फरवरी को मतदान होने हैं 60 विधानसभा सीटों पर और सीएम योगी आदित्यनाथ इसके लिए वहां पर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। और 10 की दहाड़ में सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, जो कि आगरा से सामने आ रही है। आगरा में बांग्लादेशियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। हालिम ने हवाला के जरिए लाखों रुपए बांग्लादेश भेजे थे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खुफिया एजेंसी और पुलिस को ऑनलाइन लेन देन की जानकारी मिली। नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेशियों से पूछताछ जो हो रहे थे, जो कि आगरा में पकड़े गए हैं, बड़ा खुलासा किए हैं, हवाला के जरिए यहाँ पैसे भेजे जा रहे थे। देखिए बिल्कुल, देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और आगरा पुलिस ने जब पूरा इस पर होमवर्क करना शुरू किया कि बड़े स्तर पर बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो एक हालिम नाम का एक व्यक्ति था जो बांग्लादेशियों में सबसे ज्यादा पुराना है और उसने कई बांग्लादेशियों को यहाँ आगरा में और मथुरा में बसाने का काम किया है। और पूछताछ में पता चला कि उसने पिछले साल हवाला से अपने घर 2.5 लाख रुपए भेजे थे और ये कोलकाता के एजेंट के माध्यम से बांग्लादेश रुपए भिजवाए थे। खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली है और साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि वो हालिम एक नर्सिंग होम में बायोमेडिकल वेस्ट
का निस्तारण करता था और उसकी सालाना आय 2,40,000 रुपए है, लेकिन उसने 2,50,000 रुपए अपने घर भिजवाए, यानी उसकी आय जो उसकी आमदनी से ज्यादा उसका जो आय का स्रोत है, इस पर भी कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी उस पर काम कर रही है कि आखिर और कोई इलीगल एक्टिविटी इसमें हाल में कहीं इन्वॉल्व तो नहीं था। ये सारी चीज चल रही है, उसके साथ ही लगातार ठीक है नितिन, यानी कि ये बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जा रही है, देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।